नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 15 मई अपरा एकादशी, गाय माता को चुपचाप बस ये एक चीज खिला देना, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, दुख दूर होंगे, सुख पास आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत की महिमा को अनंत बताया गया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में अपरा शब्द का अर्थ होता है अपार, यानी कि ये एकादशी अपार धन को देने वाली होती है, इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण किसी भी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति या तो खराब होती है या तो अच्छी होती है। एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा की खराब प्रभाव को रोका जा सकता है और चंद्रमा के खराब स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। यही कारण होता है कि एकादशी का व्रत पूजन करने से और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति सदा ही प्रसन्नचित रहता है और मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अपरा एकादशी की महिमा की बात करें तो इसका व्रत करने से व्यक्ति का नाम तीनों लोकों में बढ़ता है और इसके प्रभाव से व्यक्ति के पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस एकादशी की महिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाया था। इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, दूसरों की निंदा करना, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, इन सभी महान पापों का विनाश हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 5वें अवतार श्री बावन भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता। इस दिन गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए और गंगा स्नान संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करना चाहिए और भगवान श्री हर विष्णु जी को तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन यानी कि तुलसी जी को तोड़े ना, बल्कि पहले से ही अगर वहां पर गिरे हैं तो जरूर इसे यानी कि वहां से उठा करके आप चढ़ा दें। एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प, पीले फल, ऋतु फल अर्पित जरूर करें और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी दल के बगैर भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और एकादशी पर सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं। दोस्तों, इस बार यह अपरा एकादशी 15 मई दिन सोमवार को पड़ रही है और ये पूरे दिन रहेगी। इस दिन कई सारे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। इस दिन अगर गाय माता को चुपचाप ये एक चीज खिला दें तो आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों, अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस अपरा एकादशी पर सबसे पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर नहा धोकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इस दिन आप गाय की भी पूजा जरूर करें। गाय की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन गाय को जरूर रोटी खिलाएं। आप आटा ले लें, आटे को आप अच्छी तरह से गूंद कर फिर एक रोटी तैयार करें और पूजा स्थान पर इसे रख दें और इसमें फिर आप गुड़, घी और थोड़ी सी हल्दी मिश्री डालकर गाय को जरूर खिला दें। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के शुभ अवसर पर गाय को अगर घर की पहली रोटी खिला दें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। दोस्तों, बल्कि मरणोपरांत भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का अपना एक अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आज हम आपको जो बता रहे हैं कि अपरा एकादशी पर अगर गौ माता को ये एक चीज खिला दें तो जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी के दिन गाय माता को घर की सबसे पहली रोटी जरूर खिला देनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप गाय को ये रोटी खिलाते हैं तो ये अच्छे हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को गौ माता यानी कि कहा गया है, इन्हें माता के समान इनके स्थान दिए गए हैं। गाय की सेवा करना निस्वार्थ भाव से अगर की जाए एकादशी के दिन तो माता लक्ष्मी का वास होता है हमारे घर में। वैसे तो युगों युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार के वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है।
वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं है, लेकिन गाय को वहाँ पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाते समय कुछ भूल कर जाते हैं। कौन सी वो भूल है? जैसे कि गाय को आप जब खिलाते हैं तो आप बासी रोटी खिला देते हैं या फिर बासी भोजन खिला देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि गाय को बिल्कुल भी बासी रोटी बिल्कुल ना खिलाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना खिलाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास होता है, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए सुबह की जो पहली रोटी बने वो गाय को जरूर खिला दें। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को खुद यानी कि देवगुरु बृहस्पति के साथ जोड़ा गया है, इसलिए खासकर इस दिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके कुंडली के गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। गाय को इस दिन आप गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं। जी हाँ, एकादशी के शुभ अवसर पर गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाएं तो बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। गाय को इस दिन भगाना, गाय के मस्तक को आप जरूर छूकर प्रणाम करें, गाय के धूल पैरों के नीचे जो धूल है उसे अपने मस्तक पर लगाएं तो बहुत लाभ होता है। बासी रोटी बिल्कुल ना खिलाएं, बासी भोजन बिल्कुल ना खिलाएं। और सुबह सुबह आप यानी कि अगर आपके घर में अगर रोटी बनी है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और गाय को खिला दें। दोस्तों, ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गाय को यानी कि कोई भी सड़ा गला, जैसे कि बहुत से लोग हरी घास लेकर आते हैं और बच जाता है और सड़ा गला जैसे रहता है उसे खिला देते, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। गाय को स्वच्छ भोजन इस दिन खिलाएं तो आप लोगों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस भूभाग में आप रहते हैं, नया मकान बनवाते हैं, नई जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी करते हैं, वहाँ पर भी आप गाय को और बछड़े को अगर बांधें तो भूत प्रेत और नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है और वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर गौ माता की एकादशी के अवसर पर पूजा की जाए और उन्हें घर की पहली रोटी खिलाया जाए तो घर में सुख समृद्धि का वास सदैव रहता है, कभी भी निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। तो दोस्तों, इस बार अपरा एकादशी पर गाय को यानी कि आप थोड़ा सा आप आटा ले लें और उसे अच्छे जल से, शुद्ध जल से गूंद कर उसकी रोटी तैयार करें, पूजा स्थान पर रखें और भगवान विष्णु जी को जो आपने गुड़ घी का आपने भोग लगाया है उसी को इस रोटी के ऊपर रख लें और थोड़े से अगर फल जो आपने फल का भोग लगाया फल को भी इसमें रख लें, जैसे कि पीले फल में केले वगैरह होंगे, ऋतु फल कोई भी होंगे वो रख लें, थोड़ी सी इसमें रोटी में हल्दी रख लें और थोड़ी सी मिश्री रख लें, फिर ले जाकर आप गाय माता को चुपचाप खिला दें और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, सुख आएगा नज़दीक, दुख हो जाएगा दूर। दोस्तों, इस दिन आप घास ले लें एक मुट्ठी, उसमें रोटी रख लें और थोड़े से उसमें आप गुड़ रख लें, थोड़ी उसमें हल्दी रख लें और फिर ले जाकर गाय को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। दोस्तों, मनोकामना तो पूरी होगी ही होगी, साथ ही अनेक जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें, बहुत लाभकारी होगा। और इस दिन आप चाहें तो गुड़, तिल और घी से बने लड्डू भी गाय माता को जरूर खिला दें, विशेष लाभकारी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय मां लक्ष्मी।